तो दोस्तों फिर हाजिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे सन 2003 में आने वाली और बड़ी फिल्मों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इन सभी मूवियों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। और दोस्तों वहीं पर जानेंगे कि सन 2003 में कौन सी मूवी निभाई थी वाजी, ये साल किसके नाम। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अर्निंग है। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त और गोविंदा की एक और एक 11 मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूँ कि ये मूवी 28 जुलाई 2003 में रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य किरदार में बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा संजय दत्त इसमें मुख्य किरदार नजर आए थे। और दोस्तों इस मूवी का बजट तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 11.57 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 19.24 करोड़ की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी, एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी। लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिषेक बच्चन की मैं प्रेम की दीवानी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि ये मूवी 27 जून 2003 में रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य किरदार में बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, करीना कपूर इसमें मुख्य किरदार में नजर आई थी। और दोस्तों इस मूवी का बजट तकरीबन 21 करोड़ रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 17.60 करोड़ रुपये कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 38.47 करोड़ रुपए कमाए थे। और दोस्तों ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की चलते चलते मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूँ कि ये मूवी 13 जून 2003 में रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य किरदार में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और रानी मुखर्जी इसमें मुख्य किरदार में नजर आई थी। और दोस्तों इस मूवी का बजट तकरीबन 11 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 19.25 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 40.20 करोड़ रुपए कमाए थे। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी, एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी। और दोस्तों इसमें मुख्य किरदार में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान नजर आए थे और शाहरुख खान का इसमें जो किरदार था काबिले तारीफ था, बहुत ही शानदार था। और दोस्तों ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल की द हीरो मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूँ कि ये द हीरो मूवी 11 अप्रैल 2003 में रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य किरदार में बॉलीवुड के सुपरस्टार सन्नी देओल, प्रियंका चोपड़ा इसमें मुख्य किरदार में नजर आई थी। और दोस्तों इस मूवी का बजट तकरीबन 33 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 26.05 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 44.08 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सन 2003 में आने वाली कुछ बड़ी फिल्मों का जिक्र किया है, जिनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, हिट और फ्लॉप भी आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों सन 2003 में आने वाली इन सभी मूवियों में से आपके कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों फिल्में नई हों या पुरानी, सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप हमारी वीडियो को किस जिले कहाँ से